Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, in the last class, we have already started our new chapter which has come from our human physiology, and a chapter is human excretory system. We can say that excretory system and their elimination. तो यहां तक जो चैप्टर था हमारा, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था. हमने देख रहे थे कि भाई हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है वो किस फॉर्म के अंदर निकलता है, वो हमने बात कर दी. जैसे हमने बात करी अमोनिया की, यूरिया की, यूरिक एसिड, ये तीन जो होते हैं मेन कंपोनेंट हो जाते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के. ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी ऑस्मो रेगुलेशन की, ऑस्मो कंफर्मर्स की, ऑस्मो रेगुलेटर्स की, ये क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, खुद से मेंटेन कर लेते हैं या खुद से मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ऑस्मोलैरिटी की हम बात करते हैं, रेगुलरिटी की हम बात कर रहे थे. साथ ही साथ हमने बात कर ली थी तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तीनों टाइप का जो है मटेरियल हमें देखने को मिलता है. अमोनोटैलिक की हमने बात कर ली थी, यूरोटैलिक की हमने बात करी थी और यूरिकोटैलिक की भी हमने बात कर ली थी, और उसमें एग्जांपल्स भी ले लिए थे जहां पर हमने जो है लोअर इनवर्टिब्रेट्स को लिया था, बर्ड्स को लिया था, फिशेस को लिया था, मैमल्स को लिया था. आई बात समझ में? हाईली टॉक्सिक जो होता है वो हमारा अमोनिया होता है. ठीक है, हाई वाटर की इसको जरूरत होती है, और हाईली टॉक्सिक होने के साथ साथ हाई वाटर की जरूरत होती है. जो मराइन फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, उनके अंदर जो है हमें देखने को मिलता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात करी थी किसकी, यूरियोटैलिक की. यानी कि बेसिकली अगर बात करें हम, तो मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं. बॉडी में बनता तो अमोनिया है, लेकिन लीवर के थ्रू क्या होता है, लीवर इसको अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करता है, और किस तरह से कन्वर्ट करता है वो भी हमने बात कर ली थी. साथ ही साथ हमने बात करी थी किसकी बात, हमने करी थी यहाँ पे यूरिकोटैलिक, यानी कि यूरिक एसिड रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म. जैसे हम बर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, पेस्ट के रूप में या पैलेट के रूप में इसमें जो है अपना एक्सक्रीटा निकालते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं. ठीक है, उसके बारे में हमने बात की, जो कैसा होता है, लीस्ट होता है. ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, और लीस्ट जो है वाटर इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो किसमें होती है, अमोनिया के अंदर होती है. और हमने बात करी थी कि जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक तो है, लेकिन इसको जो बनाने में मतलब एक्सक्रीट करने के अंदर किस तरह की कोई एटीपी यूज नहीं होती है. जबकि अगर हम बात करें हमारे यूरिया में, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो हमारी 2 से 3 एटीपी जो है इस प्रोसेस के अंदर खर्च हो जाती है. आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हम कवर अप कर चुके थे. आज हम बात करेंगे हमारे इस लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. किसके बारे में? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करने वाले हैं यहां पर. ठीक है, तो अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, अगर एवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही एडवांस होता है. क्या होता है? बहुत ही एडवांस है, क्योंकि हम क्या हैं, हम रूल कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये आपको पता है. तो एडवांस कौन है? हम लोग हैं. हमसे एडवांस तो अभी तक कोई आया नहीं. एलियन की बात मैं करता नहीं, क्योंकि जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी बात मैं कर कैसे दूं. और लगता है आपने मूवीज में एलियंस देखे हैं, तो होप्स हो उन्होंने भी कहीं से इंस्पायर्ड होकर उनको बनाया होगा. तो ये तो है नहीं कि वो हमसे ज्यादा, मतलब फिजिकली कैरेक्टर में हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा अच्छे दिखते होंगे, नहीं. ठीक है, तो अभी तो अर्थ पे कौन रूल कर रहा है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, हम रूल कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस रूल कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ह्यूमन किडनी की बात करें, तो किडनी क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक सिस्टम हो जाता है जो क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज की हमने बात करी है, नाइट्रोजनस वेस्टेज की हमने बात करी है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है. यानी कि जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, तो साथ साथ में क्या होता है, जब आप आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हो तो आपकी गाड़ी को एनर्जी मिलती है, आपकी बाइक को एनर्जी मिलती है, लेकिन वेस्ट के रूप में क्या निकलता है, CO2 एमिशन होता है. तो यहां पर जो भी हम फूड ले रहे हैं, तो वो जो फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर है, तो उसको हमने कहा था इजेशन. लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है वो हम किसके थ्रू क्लियर करते हैं, हमारी किडनी के थ्रू, हमारी बॉडी से हम वॉश आउट कर देते हैं. किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में. आई बात समझ में? तो यहां पर किडनी क्या हो जाती है, किडनी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारी बॉडी के क्लीनिंग के लिए. और किडनी के अंदर जो फिल्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा ब्लड. क्या फिल्टर होता है? हमारा ब्लड जो है वो किडनी फिल्टर करती है. अब सोचिए आप,
हमारी किडनी होती है किसी छोटी सी किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं। आपने राजमा देखा है ना, और राजमा खाते भी हैं, प्रोटीन का सॉस भी है, ठीक है, राजमा अच्छा लगता है। तो जो राजमे का शेप होता है, बीन शेप होता है, उस तरह की जो हमारी होती है पैर में किडनीज प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात करें तो ये आगे की तरफ वर्टिबल की तरफ होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो ये क्या होती है पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पे सिचुएटेड हो जाती है, यानी कि प्रेजेंट होती है, ठीक है। किससे घिरी हुई होती है बात करें तो ये यहां पर जो है हमारी रिब्स केज के पीछे की तरफ, यहाँ पे डॉर्सल के डॉर्सल पार्ट में यह है, T3 और T12 और L3 लंबर के बिटवीन द प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में, अटैच किससे है, डॉर्सल वॉल से अटैच होती है, क्लियर है। चलिए तो ये हमारी किडनी होती है, और मेन जो किडनी के अंदर फंक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पर नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों, नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। हाँ, जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी हम इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर। जो मेन फिल्ट्रेशन हो रहा है वो यहीं से होता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो अब हम समझ लें क्या क्या होता है। चलिए देखिए, पेयर ऑफ किडनी, ठीक, अ पेयर ऑफ किडनी, यानी किडनी कितनी प्रेजेंट होगी, यहां पर दो होंगी शेप के अंदर, ठीक है, किडनी दो होंगी शेप, हमने बता दिया बीन शेप होता है, ठीक है। उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर क्या होंगी, पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि दो यूरेटर जुड़ी हुई होंगी। नेक्स्ट इसमें हम बात करें सिंगल यूरिथ्रा इज प्रेजेंट विच इज वन इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अ यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट विच इज अगेन वन ए नंबर, ठीक है। तो यहां पे टू पेयर में किडनी प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ यूरेटर यहां पे दो हैं, सिंगल यूरेथ्रा है और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होती है। आई बात समझ में, ठीक है। बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जैसे अभी हमने बात करी इसकी तरह जो किडनी बीन्स होते हैं, क्या बोलते हैं राजमा को हम किडनी बीन्स बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि जो राजमा का शेप है वो बिल्कुल हमारी किडनी की तरह होता है, ठीक है। तो देखिए नेचर में भी कितनी डाइवर्सिटी अवेलेबल है। हमारे ब्रेन की बात करें तो अगर हमारे ब्रेन का इंटरनल पार्ट आपको देखना हो तो मार्केट जाइए, एक अखरोट लेकर आइए, अखरोट को फोड़ लीजिए, बस अंदर जो निकलेगा वैसा ही हमारा क्या होता है, इंटरनल पार्ट होता है ब्रेन का। आई बात समझ में, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। नेचर के अंदर जो भी बना है, ऊपर वाले ने जो भी रचना की है, जो बनाया है, वो सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी कूट कूट के भरी हुई है। आई बात समझ में, चलो तो यहां पर हमने बात कर ली, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ यूरेटर है, सिंगल यूरेथ्रा है और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरेथ्रा तो सिंगल ओपनिंग ही होगी, दो दो ओपनिंग तो है नहीं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सेपरेट ओपनिंग हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान की बात कर ले तो माउथ और एनस दोनों सेपरेट है, ठीक है ना, हमारे अंदर तो नहीं है ना, जैसे लीवर फ्लूक में होता है क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, हमारे अंदर क्या होती है, डबल है, यानी कि माउथ की ओपनिंग अलग है और एनएस की ओपनिंग अलग है, खाएंगे कहीं से और एक्सक्रीटा कहीं और से रिलीज करेंगे, ठीक है। चलो तो अब एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, उससे हमें अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बना लेते हैं हमारा डायग्राम। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ आउटलाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर हम सीबीएसई के एग्जाम्स की बात करें तो आपसे जो एग्जामिनर है एक वेल लेबल्ड आपके जो डायग्राम है वो आपसे पूछ लेता है, तो वेल लेबल डायग्राम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होना चाहिए, क्या पैशन होना चाहिए उसको बनाने का। चलो अब पैशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं, होप सो। तो सबसे पहले
ये लीजिए आप, हम क्या बनाने वाले हैं, हम यहां पे बनाने वाले हैं एक ओपनिंग, ठीक है। देन इस तरह से ये देखते जाइएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ये ठीक है, ब्लू कलर से हमने बनाया है। अब कुछ इस तरह से चलिए, मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा। अभी हम इसको पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हम बना रहे हैं हमारी एक और ओपनिंग, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या क्या बना रहे हैं, ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, रीनल वेन है, जबकि ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए ये देखिए कुछ इस तरह से, आई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर हमारी पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, क्या है, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, ठीक। क्या है, ये पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट, आई बात समझ में। चलिए फिर इसके बाद हम यहां पे बनाएंगे इसके अंदर का पार्ट, देखिए। अब देखिए यहां पर ये रेडिश कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, पैर के अंदर कितनी है, यहां पर दो है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस किडनी के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ जो है यहां पर मेडुला वाला रीजन होता है, अगर इसकी हम बात करें यहां पे इस तरह से, तो क्या होती है, कवरिंग होती है इसमें कुछ इस तरह से, ये ठीक है, सेम इस तरह से यहां पर ये इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग यानी कि फनल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम वाले पार्ट से यहां पर क्या हो रहा है, इस हाइलम वाले पार्ट से यहां पर जो है आर्टरीज और वेंस जो है यहां पर आती हैं, ठीक है। यहीं से क्या होती है इनकी जो है, एक तरह से हम बोलते हैं कि आर्टरीज और वेन यहां से ही इसमें से निकलती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या है, यहां पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा क्या करेगी, लंग्स से क्या लेकर जाएगी, सॉरी किडनी से क्या लेकर जाएगी, किडनी से लेकर जाएगी यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि सप्लाई किसको करेगी, सप्लाई करेगी यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई बात समझ में आपको। चलिए बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह से, ठीक। चलिए अब हम क्या बनाते हैं इसमें, अब इसमें क्या होते हैं, कुछ 8 to 12 पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, एक सेकंड बच्चों,
इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, इस तरह से, देन इस तरह से, एंड देन इस तरह से, ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे क्या होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए, चलिए ये देखिए, इस तरह से, ये कितने होते हैं यहां पे, 8 to 12 इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहां से क्या होता है, यहां से ओपनिंग होती है, किसकी, यूरेटर्स की, इस जगह से, यहां से हम बात करें तो इस पार्ट से यहां से ओपनिंग होती है, किसकी, यूरेटर्स की, तो ये क्या आ गई, यहां से, यहां से ये यूरेटर की ओपनिंग आ गई, ठीक है, इस पार्ट से यहां से यूरेटर की ओपनिंग आ रही है, कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये यूरेटर की ओपनिंग, ठीक, अब ये यूरेटर जो है, पेयर ऑफ यूरेटर कहां आकर खुलती है, ये खुलती है यूरिनरी ब्लैडर में, किसमें खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो यहां पे क्या है, ये हमारी ब्लैडर हम बनाते हैं, क्या बनाई है हमने, ब्लैडर बना दी, ठीक है, चलिए अब जो ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर होती है, इसमें भी क्या होते हैं, कुछ तरह के स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली ये जो है हमें मिक्चुरेशन जो होता है उसके लिए अर्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि मिक्चुरेशन के लिए अर्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो हम यहां पे ये बना लेते हैं इस तरह से, क्या है ये, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही क्या होता है, ब्लैडर फुल होता है तो यहां से जो है सिग्नल जाता है ब्रेन को, ठीक है, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है तो ब्रेन यहां पर जो है इसमें कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, यानी कि मिक्चुरेशन करते हैं, आई बात समझ में, क्लियर है, चलिए तो यहां पर क्या है, इस तरह से कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट, ठीक है, आई बात समझ में, चलिए तो अब यहां पर हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है, तो थोड़ा सा इसका हम नामकरण कर लें, जरूरी है बच्चों, ठीक है, और थोड़ी सी कलाकारी और जरूरी है, अब देखिए इस तरह का डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो एग्जामिनर आपसे खुश होगा, ठीक है, आपको कलरिंग वलरिंग नहीं करनी है इतनी, बस ये कि एक अच्छे वे के अंदर आपका डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं एक वेल लेबल डायग्राम जो होता है वो, और यहाँ पे हर एक पार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बस इट्स इनफ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही होगा, ठीक है।
चलिए ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए इस तरह से, ये देखिए आप, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, बन गया हमारा डायग्राम? बिल्कुल हमारा डायग्राम बन चुका है। चलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये है हमारा ह्यूमन किडनी का डायग्राम। क्या हो गया ये? किडनी। ठीक, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, लेबल्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर फर्स्ट ओपनिंग की हम बात करें तो ये ओपनिंग यहां पर क्या है, इस ओपनिंग को हम बोले तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये ओपनिंग जो है ये कहलाएगी आईवीसी। क्या कहलाएगी? आईवीसी, यानी कि इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब ये इंफीरियर वेना केवा कहां जाके खुलती है? राइट, एट्रियम में खुलती है, क्योंकि क्या लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें यहां पे क्या है, ये वाला जो रीजन है इसकी हम बात करें तो ये क्या है, डॉर्सल एओर्टा। क्या है ये? डॉर्सल एओर्टा है। ठीक है, चलिए जो जिस कलर से हम उसी कलर से इसको मेंशन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। ठीक है, ये क्या हो गई? डॉर्सल एओर्टा हो गई, डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ठीक, चलिए फिर हम बात करें ये क्या ऊपर प्रेजेंट है, ये पेयर ऑफ किडनी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गई किडनी। क्या है ये? किडनी है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ये भी क्या हो गई, आपकी किडनी हो गई, यानी कि लेफ्ट और राइट दो किडनी प्रेजेंट होती है तो पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट हो गई। नेक्स्ट हम बात करें ये इंफीरियर वेना क्या हो गई, अब देखिए यहां पर क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगी हमारी रीनल वेन। क्या बोलेंगे इसको हम? ये होगी यहां पर रीनल वेन। ठीक है, ये तो ओपनिंग है इंफीरियर, ये यहां पे डोर्सल एओर्टा और ये रीनल वेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए रीनल वेन के साथ साथ यहां पर क्या है, ये किडनी हो गई, अब यहां से क्या निकल रही है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, यहां से जो निकल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होंगे हमारे यूरेटर्स। क्या होंगे ये? ये कहलाएंगे यूरेटर्स। क्या है ये? यूरेटर्स है, इधर है पेयर में, तो ये भी क्या हो गया, यूरेटर हो गया, हमने मैंने यहीं पर लिख दिया इसको यूरेटर। ठीक है, चलिए ये भी इधर हम लिख लेते हैं यूरेटर। ठीक, चलिए यूरेटर की ओपनिंग कहां खुल रही है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पर ओपन हो रही है ये? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या हो गई हमारी? यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट हो गई। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो गई? यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम बात करें तो ये जो रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? मैच्यूरेशन की अर्च के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब जो ये आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ये ओपनिंग आपकी कहलाती है यूरेथ्रा। क्या कहलाती है? यूरेथ्रा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर,
चलिए अब देखिए ये जो रीजन है, यानी कि अगर हम बात करें इंटरनल रीजन, तो इंटरनल रीजन किडनी का क्या कहलाता है ये, इसको हम बोलेंगे यहां पर कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स, ठीक है। जबकि ये जो रीजन है वो क्या कहलाएगा यहां पर? मेडुलरी रीजन। इसको हम क्या बोल देंगे? मेडुला। क्या बोल देंगे? मेडुला बोल देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है। चलिए और ये जो मिड वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको, ये वाला मिड रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यहां पे पेल्विस रीजन। ये कौन सा हो गया? ये हो गया यहां पर पेल्विस रीजन। आई बात समझ में? ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया और पेल्विस रीजन हो गया, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पार्ट की बात करें हम, पर्टिकुलर यहां से इस पार्ट की, तो इसमें यहां पर क्या होती है? एपिथेलियम होती है, ठीक है, मसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू से होता है बना हुआ। किससे होता है? एपिथेलियम, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। आई बात समझ में? यानी कि जो कवरिंग होती है वो क्या करती है? यहां पे लाइंड करती है। किससे? जो रीनल पेल्विस वाला जो रीजन है यहां पर, ये इसको लाइंड करती है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है किडनी पे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली रीनल कैप्सूल बोलते हैं इसको। क्या? आउटर कवरिंग जो कनेक्टिव टिश्यू की होती है इसको क्या बोलते हैं यहां पर? रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ठीक है, आई बात समझ? चलो तो यहां पर क्या होता है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। एक चीज और, इस पेल्विस रीजन को बेटा हम थोड़ा सा कहीं और दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें क्या बनानी है? एड्रिनल ग्लैंड बनाना है। क्या बनाना है? एड्रिनल पार्ट बनाना है इसका। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो पेल्विस रीजन है उसको हम यहां पे शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया पेल्विस। ठीक, चलिए अभी हम डायग्राम को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको लिखेंगे तो एक-एक डिस्कस कर लेंगे पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, एक हम कहते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं ये? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो दोनों किडनी पर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो यहां पे ये कंप्लीट हुआ कैसा हमारा डायग्राम। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ठीक, तो आप इस डायग्राम को बनाइए जब तक, फिर हम क्या करते हैं इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, बनाया आपने डायग्राम? चलिए तो इस तरह का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, सीखना है, अच्छा होता है, अपीयरेंस अच्छा आता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है और हर एक चीज यहां पर क्लियर क्लियर दिखाई देती है। चलिए तो कुछ अब इसके बारे में लिख लें हम। ठीक है, चलिए तो हम बात करें यहां पर बेसिकली सबसे पहले कि जो हमारी किडनी होती है वो होती कैसी है। ठीक है, सो विच इज द रेडिश ब्राउन इन कलर और कैसी होती है? किडनी बीन्स यानी कि राजमे के बीज के समान होती है। सो वी कैन एड ऑन हियर दैट किडनी आर रेडिश brown in color and tough fibrous connective tissue covering is called
कवरिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाती है यहां पर, ये रीनल कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, पैर में होती है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और इस पर क्या होती है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी लोकेशन की। ठीक है, तो लोकेशन कहां होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो T12 से L3, यानी कि T12 की वर्टिबल कॉलम जो है हमारी T12 से जो L3 होता है, ये वाला पार्ट है जो है, यहां से T12 से L3 इस वाले पार्ट पे, यहां पर क्या होती है, यहां पर हमारी पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब आप MBBS कॉलेज में जाएंगे, जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, बायोलॉजी से भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, आपको यहां पर मार्किंग करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, मार्किंग करना सिखाते हैं कि कहां पर जो हमारी लेफ्ट किडनी है, कहां पर हमारी राइट किडनी है। ठीक है, राइट किडनी क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ठीक है, चलिए, तो T12 और L3 के मिडिल पे, मिडिल, ठीक है, कहां पे, ये तो हमारा वेंट्रल रीजन हो गया, और पीछे की तरफ डोर्सल वॉल होती है, उससे अटैच्ड होती है। ठीक है, आई बात समझ में, अटैच्ड विद डोर्सल वॉल हम ये लिख सकते हैं, अटैच्ड विद डोर्सल वॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि जो डोर्सल साइड ऑफ किडनी की होती है वो अटैच होती है किससे, डोर्सल वॉल से। ठीक है, डोर्सल साइड किससे अटैच है, डोर्सल वॉल से अटैच है। ये देखिए, ये डोर्सल वॉल है हमारी, ठीक है, इस डोर्सल वॉल से क्या है, ये अटैच्ड है। अब जो ये डोर्सल वॉल साइड से किडनी अटैच्ड है किससे, डोर्सल वॉल से, और एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, इससे डोर्सली साइड पे क्या अटैच्ड है, और वेंट्रल साइड क्या होती है, ये कवर्ड होती है, यानी कि ये तो हमारा हो गया वेंट्रल साइड, और ये हमारा हो गया डोर्सल साइड। तो यहां पे क्या है, डोर्सल साइड ऑफ किडनी अटैच्ड है किससे, विच द डोर्सल वॉल, किसकी, एब्डोमिनल की डोर्सल वॉल से अटैच्ड है, और सामने का जो यानी कि वेंट्रल रीजन है वो क्या है, यहां पर कवर्ड होता है किससे, पेरिटोनियम से। आई बात समझ में, किससे कवर्ड होता है, पेरिटोनियम से। इसीलिए अब ये पोजीशनिंग कैसी हो गई, एक तरह से रेट्रो हो गई। ठीक है, कैसे होगी, रेट्रो। तो ये जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसको रेट्रो पेरिटोनियल किडनी भी हम कह देते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल किडनी भी कहते हैं। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट डोर्सल साइड ऑफ, डोर्सल साइड ऑफ किडनी अटैच्ड विद डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है, किससे अटैच होती है, डोर्सल वॉल और एब्डोमिनल से अटैच्ड होती हैं। नाउ वेंट्रल साइड एंड वेंट्रल साइड इज कवर्ड, किससे होती है, वेंट्रल साइड इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम, कवर्ड बाय पेरिटोनियम, दिस इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो पेरिटोनियम। क्या बोल देंगे, रेट्रो पेरिटोनियम किडनी, टोनियम किडनी, या क्या बोल देंगे इसको हम, रेट्रो पेरिटोनियम किडनी बोल देंगे, या फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियम किडनी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियम किडनी। आई बात समझ में, क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम किडनी भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक, चलिए, अब अगर हम इसके वेट की और इसकी कंप्लीट हाइट की बात करें, लेंथ की बात करें, तो कितनी होती है, 10-12 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, कितनी होती है, अराउंड 10-12 सेंटीमीटर इन
length and 5 to 7 centimeter in breadth, ठीक है, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है जो है इनकी हम कह सकते हैं कि विड्थ होती है, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब देखिए जो हमारी किडनी होती है बेसिकली, और इसके वेट की अगर हम बात करें तो थिकनेस जो है इसकी, विड्थ की हम बात करें तो थिकनेस बोल सकते हैं इसको हम यहां पे थिकनेस, ठीक है, वेट की बात करें द वेट अराउंड अराउंड कितना होता है 120 to 170 ग्राम होता है, कितना होता है 120 to 170 ग्राम प्रेजेंट होता है, 10 टू 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 टू 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और जो है 2 टू 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम किसकी बात करें, अब देखिए यहां पे ये हो गई हमारी, अब देखिए लेटरल सरफेस तो कैसा है, इसका जो लेटरल सरफेस होता है वो तो कैसा होता है यहां पे कॉनकेवेक्स होता है, कैसा होता है लेटरल सरफेस, यहां पर इसका जो है वो कॉन्वेक्स होता है, जबकि हम अगर बात करें इसका मिडिल पार्ट कैसा होता है कॉनकेव होता है, तो वी कैन राइट डाउन हियर लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स बट द मिडिल सरफेस इज कॉनकेव, कैसा होता है मिडिल सरफेस यहां पर कॉनकेव होता है। आई बात समझ में, अब देखिए आप डायग्राम की तरफ, यहां पर इसका कॉनकेव स्ट्रक्चर हो गया, अब देखिए यहां पर रीनल कैप्सूल बनता है, क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है कवरिंग होती है, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहां पर रीनल कैप्सूल बोल दिया। आई बात समझ में, जो हमने ऑलरेडी यहां पर लिख भी चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर जो इसका मार्जिनल भाग है, ये वाला जो मार्जिनल पार्ट है, यहां पर क्या होती है ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक हम कहते हैं कि फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, ठीक है, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम हाइलम बोलते हैं, यहां से क्या होती है यहां से जो है सप्लाई भी निकलती है रीनल वेन की और आर्टरीज की, ठीक है ना, और साथ साथ क्या बात करें हम यहां से जो है यूरेटर की ओपनिंग भी होती है, किसकी अ पेयर ऑफ यूरेटर की ओपनिंग यहां से हो जाती है। आई बात समझ में, चलिए तो हम कहते हैं कि ऑन द मार्जिन ऑफ किडनी लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग इज प्रेजेंट, सो ऑन द मार्जिन ऑफ किडनी अ लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग इज प्रेजेंट, सो द मार्जिन ऑफ किडनी अ लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द हाइलम प्रेजेंट विच पास द रीनल आर्टरी एंड वेंस एंड दिस फनल लाइक ओपनिंग एंड दिस फनल लाइक ओपनिंग इज कॉल्ड एज ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम हाइलम बोलते हैं। कैसे होती है एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइलम बोल देते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, टाइप फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से लेयर्ड होती है, इसको हमने क्या बोला यहां पर रीनल कैप्सूल बोला, तो देखिए यहां पर क्या है टाइप फाइबर से बनी हुई है, इसको हमने क्या बोल दिया यहां पर रीनल कैप्सूल बोल दिया, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर देखिए लोकेशन की बात करें तो कहां पर ये जो हमारा लंबर है यानी कि टी है, वर्टिबल कॉलम जो है टी12 से लेके L3 की इस रीजन पे यहां पे हमारी जो है
किडनीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे हमारी किडनीज की मार्किंग की जाती है, ठीक है। लेफ्ट साइड जो किडनी होती है वो एज कंपेयर टू राइट की यहाँ पे जो है इस तरह से देखिए, तो ये क्या हो गया, मैं खड़ा हूं तो ये मेरी क्या होगी, लेफ्ट साइड वाली किडनी हो गई, ठीक है, और ये मेरी राइट साइड वाली, सॉरी ये लेफ्ट साइड वाली किडनी हो गई और ये राइट साइड वाली किडनी हो गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन होता है ऐसे, लेफ्ट साइड राइट, लेफ्ट साइड थोड़ी झुकी होती है, राइट साइड क्या थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है, आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि क्या होता है हमारा जो लीवर होता है ना, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पीछे की तरफ बात करें तो वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के T12 से L3 के मार्जिन पर ये दोनों प्रेजेंट होती है इस तरह से, हल्की सी टिल्टेड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ऑर्गन की जो प्रेजेंस है वो इस वजह से, तो जो सिरोमिक कैविटी उसके अंदर की प्रेजेंस इस तरह से होती है, ठीक। अब ये वेंट्रली क्या है, किससे कवर्ड है, या पेरिटोनियम से कवर्ड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी भी बोल देते हैं। और अटैच किससे है, ये अटैच्ड है हमारी एब्डोमिनल की डोर्सल वॉल से, आई बात समझ में, एब्डोमिनल की डोर्सल वॉल से अटैच्ड है, बैक साइड प्रेजेंट होती है, किडनी कभी भी यहां नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा, एब्डोमिनल से पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड होती है डोर्सल साइड पे, ये वेंट्रल साइड हो गया, ये डोर्सल साइड हो गया, ठीक है। तो रेट्रोपेरिटोनियल क्यों बोल दिया, क्योंकि जो वेंट्रल पार्ट है, यहां का जो वेंट्रल पार्ट है, ये किससे होता है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, जबकि डोर्सल पार्ट क्या होता है, सिर्फ एब्डोमिनल वॉल से ये अटैच्ड होता है। जो हमारी रिब्स है, ये देखिए हमारा रिब केज है, कंप्लीटली 12th पेयर ऑफ रिब केज है, यहां से नीचे के पोर्शन जो पीछे की तरफ ये रिब जाती है, ये क्या करती है, कवर अप करती है किसको, किडनी को, यानी कि किडनी के ऊपर क्या है, जो कंप्लीट हमारा जो रिब केज है वो कंप्लीट इसको प्रोटेक्टेड किए हुए है, आई बात समझ में आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, ये रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है हमारी किडनी का, ठीक। चलिए फिर डोर्सल साइड ऑफ किडनी अटैच विद द डोर्सल वॉल, हमने यहां पे मेंशन कर ही दिया है, एब्डोमिनल वेंट्रल साइड इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम, दिस इज कॉल्ड एज ए रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, ठीक है। नाउ जो किडनी होती है बेसिकली टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ये पेल्विस रीजन होता है, ये वाला कौन सा रीजन है, किससे सराउंडेड होती है, किडनी सराउंडेड बाय द पेल्विस रीजन, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका ये पेल्विस रीजन हो जाता है, ठीक है। अब ये किस सराउंडेड, पेल्विस रीजन से सराउंडेड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर एरिया जो है यहाँ पर इनर मेडुला, ठीक है, जो आउटर वाली पार्ट है, इनर आउटर तो क्या हो गई यहाँ पे पेल्विस हो गई, और इनर पार्ट क्या हो गया, ये वाला मेडुला रीजन हो जाता है, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये मेडुला हो गया, आई बात समझ में, कौन सा रीजन होता है, ये मेडुला रीजन हो जाता है, क्लियर है। चलिए तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं, ठीक है, ताकि कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। चलिए ये तो हमें पता ही कि पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है 2, यूरेटर भी यहाँ पे 2 है, हम डायग्राम में कंफर्म कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो हाइलम जो स्ट्रक्चर है वो ये रीनल जो पेल्विस वाला रीजन है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ना आपको, इस तरह की है ये जो ओपनिंग है इस वाले पार्ट को, ये क्या है, फनल टाइप शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट हाइलम इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रीनल पेल्विस, ठीक है। तो ये क्या है, फनल टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, अंदर की ओपनिंग है ये वाला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, कौन सा रीजन है, ये रीनल पेल्विस होता है। तो यहीं से क्या होती है, कंप्लीट सप्लाई है निकल कर जाती है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात करें किडनी टिश्यू सराउंडेड द पेल्विस रीजन, ठीक है। किडनी क्या कर रही है, सराउंडेड करती है किससे, ये पेल्विक वाला पार्ट इसको सराउंड करती है, ठीक है, सराउंडेड द रीजन ऑफ आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला, आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला,
ठीक है, तो आउटर कैसा हो गया यहाँ पे, कोर्टेक्स हो गया, और इनर पार्ट क्या हो गया यहाँ पर, मेडुला हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करें, तो ये जो क्या होते हैं, ये जो जिसमें ये आपको मेडुलर जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, ये मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, और ये काउंट नंबर में कितने होते हैं, 8-12% होते हैं। इन मेडुला रीजन अ मेडुलरी पिरामिड, अ मेडुलरी पिरामिड इज प्रेजेंट विच इज 8-12 इन नंबर। कितने होते हैं? विच इज 8-12 इन नंबर। कितने होते हैं? 8-12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हर एक जो किडनी होती है उसके अंदर लगभग हम बात करें तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आप कर रहा हूं बच्चों, ये आप ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। तो हमारी जो किडनी होती है इसमें क्या होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ईच किडनी हैविंग अ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ओके, कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एंड नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होती है ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे किडनी के। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां पे क्या है, मेन काम किसका हो रहा है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और ये क्या करती हैं? मेनली परफॉर्म ब्लड फिल्ट्रेशन। किसको परफॉर्म करते हैं? ब्लड फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यहां पे फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी बोल दिया। तो यहां पर बच्चों हमने कंप्लीटली जो है हमारी किडनी का जो हमने स्ट्रक्चर है वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या किया है, यहां पर जो हमने है इसका जो पूरा डायग्राम है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक, अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से जो है इसके अंदर फंक्शन होता है, यानी कि हमने इसमें हम बात करेंगे किस तरह से मिक्चुरेशन की जो अर्ज है हमें यहाँ पर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गई हमारी। देखिए, सबसे पहली बात है कि फिल्टर जो जितना भी ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होकर क्या बनाएगा, ये फिल्टर होकर हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा, उसमें यूरिन बनाएगा। अब यूरिन के अंदर मेनली क्या है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या, यूरिन के अंदर आ जाते हैं। तो यूरिन के अंदर जो क्या पार्ट होता है, इसके अंदर हम बात करें बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स जो है, तो यहाँ पे क्या होती है कि बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, बोमन्स, उसके बाद PCT होती है, यानी कि प्रॉक्सिमल कम्यूटेटिव ट्यूबुल होता है, फिर DCT होती है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 99% जो हम कह सकते हैं कि वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन है वापस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि यूजफुल जितने भी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी को जिनकी नीड है, वो वापस से क्या हो जाते हैं, यहाँ से रीऑब्जर्व हो जाते हैं, और रीऑब्जर्व के कहाँ चले जाते हैं, वापस से ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो मेनली जो एक्सक्रीट आउट होता है यहाँ पे क्या होता है, यूरिया होता है, यानी कि हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा है उसमें भी कुछ यूजफुल कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, तो उनका वापस से क्या होता है, वापस से रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, यूरिन से जो मेनली पास आउट होगा वो क्या होगा, यूरिया ही पास आउट होता है। वो कंप्लीट क्या होती है, पूरी एक मैकेनिज्म होती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, अब देखिए यहां तक की पूरी बात हो गई। अब देखिए हम बात करें किसकी, जैसे ही जो यूरिन बनता है, ठीक है, ब्लड फिल्टर हुआ,
और यूरिन बना। अब जैसे ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनता है तो यूरिन कहां से पास होता है? यूरिन जो है इस पेल्विस रीजन से पास होता है। कहां से पास होता है? इस पेल्विस रीजन से पास होता है। और ये पेल्विस रीजन से पास होता हुआ कहां पर पहुंचता है? ये देखिए, इसके थ्रू। किसके थ्रू? इन यूरेटर्स के थ्रू। ये दोनों यूरेटर्स प्रेजेंट होती है। इन यूरेटर्स के थ्रू कहां पहुंचता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। आई बात समझ में? अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इसमें क्या फिल हो जाता है? यहां पर आकर हम बात करें कि यूरिन जो है फिल हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया यहां पर? ये आके यहां पे यूरिन फिल होता है। इसके पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे लेकिन जनरल में बता रहा हूं मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या हो गया यहां पर? आके जो ये यूरिन भर जाता है। तो यूरेटर से क्या हो रहा है? ये यूरेटर किससे है? किडनी से कनेक्टेड है। ठीक है, पेल्विस रीजन में क्या होता है? बेसिकली जो है ये नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स में क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, क्या बना? यूरिन बना। यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहां पे ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होता है पेपिला के अंदर। पेपिला से किसमें जाता है? वो रीनल पहले कैलेक्स वाले भाग में, और रीनल कैलेक्स से रीनल पेल्विस में। तो ये रीनल पेल्विस, इस पेल्विस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ठीक है। तो फाइनली कहां पहुंचे? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से ये कहां अटैच होता है? यूरेटर से अटैच होता है। दोनों तरफ क्या यूरेटर प्रेजेंट है, तो ये यूरेटर से अटैच्ड है। ठीक है, यूरेटर से कहां जाता है? ये कनेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है? जो यूरिन है वो यहां पर आके स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, टेम्परली की, लेकिन स्टोर्ड भी कैसे होता है? सिर्फ टेम्परली स्टोर्ड होता है, कुछ टाइम के लिए आप यहां पर इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो जिसमें यूरिन स्टोर की कैपेसिटी होती है, यूरिन स्टोर्ड स्टोर्ड कितना होता है? अराउंड 152। आप मान लीजिए लास्ट टू लास्ट आप इसको ले सकते हैं कि 500 ml या लास्ट टू 150 टू 500 ml। ठीक है, इतना है। मतलब आपको जो मैच्योरेशन की अर्ज होती है वो 250 से 300 ml होने पर मैच्योरेशन की आपको जो है अर्ज होना शुरू होती है। क्योंकि इसके थ्रू, क्योंकि रिसेप्टर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं फटाफट से। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया है। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले यूरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यूरेटर में क्या हो रहा है। यहां से यूरिन है, पास हो रहा है किससे? पेल्विस से। सो यूरेटर, यूरिन इज पास थ्रू दी, यूरिन इज पास थ्रू द पेल्विस, रीनल पेल्विस थ्रू द यूरेटर। यूरिन इज पास थ्रू दी, वी कैन राइट डाउन, यूरिन इज पास थ्रू दी यूरेटर फ्रॉम द रीनल पेल्विस, फ्रॉम द रीनल पेल्विस देयर इज टू यूरेटर इज प्रेजेंट। ओके, यहां पे क्या होते हैं? दो यूरेटर यहां पे प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट किसकी हम बात करें यहां पे? बेसिकली क्या होगा, जो यहां पे अर्ज होगी कनेक्टेड किससे होंगे? यूरिनरी यूरेटर जो है कनेक्ट किससे होंगे? यूरिनरी ब्लैडर से प्रेजेंट। एंड यूरेटर ओपन्स इनटू दी, किसमें ओपन होंगे? ये यूरिनरी ब्लैडर में, इनटू दी यूरिनरी ब्लैडर। कहां पर ओपन हो रहे हैं? ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या हो गया? यहां पे यूरिन जो है बनके यहां पे स्टोर हो गया है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, क्या होता है, किससे लाइन होती है? ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इसमें क्या होते हैं? मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल्स? ये हमने बात करी, तो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें कैसे कौन से मसल्स हैं? चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं। मसल की बात करें इसमें होता है डेट्रोसर मसल्स। ठीक है, तो ये डेट्रोसर मसल्स होते हैं ना, बेसिकली ये क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री होने के जब इनमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये क्या करते हैं? मैच्योरेशन जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, और इनवॉलेंट्री होने के साथ साथ क्या करते हैं यहां पर, ये जो है बेसिकली जो है मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं? यूरिनरी ब्लैडर
इन यूरिनरी ब्लैडर अ डेट्रूसर मसल्स इज प्रेजेंट मसल्स इज प्रेजेंट विच इज इनवॉलंटरी इन नेचर, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. इनवॉलंटरी इन नेचर एंड कंट्रोल्ड बाय CNS. ठीक है, तो किससे कंट्रोल्ड होते हैं? ये CNS से कंट्रोल्ड होते हैं. तो अब देखिए, डेट्रूसर मसल है, ये किससे कनेक्ट होंगे यहां पे? ये एक तरह से हम क्या होंगे? इनवॉलेंट्री इन नेचर होंगे, और इनवॉलेंट्री हद तक क्या करेंगे, इनको CNS से ये कंट्रोल होंगे. आई बात समझ में? अब देखिए क्या हो रहा है. बेसिकली यहां पर क्या होती है कि हम बात करें, जो ये मसल्स होते हैं यहां पे, जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, वो कौन सी प्रेजेंट होती है? इसमें ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है. हम ये लिखते हैं कि इन दिस पार्ट अ ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज प्रेजेंट. एपिथीलियम इज प्रेजेंट. ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्यों होती है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, इसमें जो है एक तरह से कहते हैं स्ट्रेच होना पड़ता है. ठीक है, क्या होते हैं? स्ट्रेच होना पड़ता है. इन दिस पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज प्रेजेंट ड्यू टू द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, तो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम में. इसलिए क्या होता है, जैसे ही ब्लैडर फिल होता है तो क्या होता है, जैसे इसमें यूरिन आएगा तो ब्लैडर क्या होगा, फैलेगा. ठीक है, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा. तो यहां पे क्या होती है, स्ट्रेच जो है एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, ट्रांजिशनल एपिथीलियम बोलते हैं. हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ रखा है. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि इसीलिए हमने कहते ना कि एनिमल टिश्यू क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है. किसके लिए? जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितनी लेयरिंग्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, अंदर कवरिंग पढ़ते हैं हम, हमारे इंटेस्टाइन की हो, हमारे एब्डोमेन की हो, या हमारे ऑर्गन्स की हो, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम हो, स्ट्रेटिफाइड हो, सो कॉलुमिनार हो, ठीक है ना, या फिर हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम हो, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम हो, माइक्रोविलाय हो, सीलिया हो, काइनोसीलिया हो, ये सभी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो एनिमल टिश्यू में हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होती है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी. तो अब क्या होता है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इन दिस ब्लैडर स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस ब्लैडर वॉल. ओके, अ स्ट्रेच रिसेप्टर आर प्रेजेंट विच इज responsible for the maturation. किसके लिए responsible होते हैं? For the maturation urge. ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि maturation के लिए urge develop करते हैं. Clear है? आगे बात समझ? चलिए, ये point आपने note down कर लिए हैं, मैं इनको rub कर सकता हूं. ठीक है, चलिए, अब देखिए यहां पर हमने किस किस की बात कर ली. हमने ureter की बात कर ली, हमने urinary ब्लैडर की बात कर ली. अब देखिए फाइनली क्या है, ये कहां पे जाएगा? जो ब्लड यहां पर क्या है, कुछ टाइम के लिए यहां पे होल्ड हुआ है. किसमें? हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्परेली होल्ड हुआ है. अब ये क्या होगा, यहां पे जैसे मैच्यूरेशन ये फील होगा, तो फील होते क्या होगा, यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है. जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी जो वॉल होती है, इसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, ये एक तरह से क्या करते हैं, सिग्नल पास आउट करते हैं. किसको? ब्रेन को, कि भाई यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो गई है. क्या हो गई है? यूरिनरी ब्लैडर यहां पर फिल हो गई है, तो मुझे क्या करना है, इसको खाली करना है. यानी कि हमें क्या करना है, यूरिन को पास आउट करना है. तो वो अर्ज होते ही क्या होता है, सीधे जो है ये किसके थ्रू ओपनिंग क्या होती है, यूरेथ्रा है. ठीक है ना, तो यूरेथ्रा में होता क्या है, बेसिकली यूरेथ्रा में क्या होते हैं कि हम बात करें, यहां पर दो स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए किस तरह से, हमें देखिए आप यहां पर, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होगा, इस तरह से एक स्पिंक्चर यहां प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये स्पिंक्चर है. ठीक है, ये स्पिंक्चर हो गया, और एक स्पिंक्चर कहां प्रेजेंट होगा, इस जगह प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये तो होगा हमारा
इनवॉल्यूंट्री, कैसा है इनवॉल्यूंट्री, और ये क्या है, ये होगा वॉल्यूंट्री, ठीक है। इनवॉल्यूंट्री और वॉल्यूंट्री दो तरह के क्या होंगे, स्पिंक्चर प्रेजेंट होंगे, दीज आर कॉल्ड स्पिंक्चर, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कभी हमें जब यूरिनेशन होता है, ठीक है, फास्ट सिचुएशन होता है, तो हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमने होल्ड करा तो सिग्नल जो है वो क्या होता है, रिवर्स सिग्नल जाता है कि भाई ये पास आउट नहीं हो रहा है, यहां पे स्पिंक्चर जो है एक्सटर्नल स्पिंक्चर, यानी कि इसको हम बात करें तो इनवॉलंटरी कौन सा हो गया, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है, और वॉलंटरी कौन सा हो गया यहां पर, एक्सटर्नल, ठीक है। यह आपको विजिबल है, ये वॉलंटरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो ये कैसा हो गया हमारा, एक्सटर्नल स्पिंक्चर हो गया, आई बात समझ में, एक इंटरनल हो गया और एक एक्सटर्नल स्पिंक्चर यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो मिक्चुरेशन की जब अर्ज होती है तो यहां पर जो इंटरनल स्पिंक्चर होता है ये तो कैसा है, इनवॉलंटरी है, यानी कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर होता है उस पर हमारा कंट्रोल होता है, तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर लेते हैं, आई बात समझ में। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं कि यहां पर ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज स्पिंक्चर इज हैविंग स्पिंक्चर एंड इनर इज विच वन, इनवॉलंटरी इन नेचर, इनर इज इनवॉलंटरी इन नेचर बट एक्सटर्नल और वी कैन से आउटर एक्सटर्नल और वी कैन से आउटर इज वॉल्यूंट्री इन नेचर, कैसे होते हैं वॉल्यूंट्री इन नेचर हो जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि कैसा हो गया, इनवॉलंटरी हो गया हमारा इंटरनल स्पिंक्चर जो कहां प्रेजेंट होता है, यहां पे यूरेथ्रा की ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है यहां पे वॉलंटरी यानी कि एक्सटर्नल स्पिंक्चर, इस पे हमारा कंट्रोल होता है, हमारी विल पावर होती है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करें यहां पे, तो यहां पे बेसिकली क्या है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो हम ये लिखते हैं, चलिए कॉन्ट्रेक्शन इन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, क्या होता है यहां पे, कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, किसके अंदर, इन स्पिंक्टर्स के अंदर ड्यूरेशन, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब देखिए हम किसकी बात कर लें, पासेज को लिख लें यहां पे, फिर जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम वापस से इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो यूरिन पासेज की अगर हम बात करें यहां पर, यूरिन पासेज, ठीक है, चलिए एक सेकेंड बच्चों, इससे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने यूरेथ्रा के बारे में, यूरेथ्रा, ठीक है। तो फाइनली जो यूरिनरी ब्लैडर होती है वो किस में जाके ओपन होती है, यूरेथ्रा में, सो फाइनली यूरिनरी ब्लैडर विल ओपन into the membranous duct, ठीक है। इस membranous duct को क्या बोलते हैं हम यहां पर, urethra, so this duct is called as urethra, क्लियर, आई बात समझ में। तो इस डक्ट को हम क्या बोल देंगे यहां पर, यूरेथ्रा बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपने सब नोट डाउन किया कंप्लीटली, ठीक है, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए अब हम यहां पे फटाफट क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे फटाफट से हमारा जो यूरिनरी पासेज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं,
ठीक है, हम मतलब पासेज को लिख लेते हैं, जब मैकेनिज्म करेंगे तब इस चीज को हम और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या लिया है, एक जनरल इंट्रोडक्शन कहते हैं कि हम एक मिक्सचरेशन की अर्ज होती है वो इस तरह से होती है, फिर जब हम इसका पूरा कंप्लीट सेक्शन लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, हम किस तरह से जो है फिल्टर होता है, मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें कहां से, पासेज ऑफ यूरिन, पासेज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यहां पर हमने फंक्शनल यूनिट क्या बताई थी, यहां पे देखिए फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, तो मेनली जो यहां पर होगा फिल्ट्रेशन कहां से स्टार्ट होगा, नेफ्रॉन से। ठीक है, अब नेफ्रॉन से ये फिल्ट्रेशन कहां जाएगा, देखिए ये हो स्टार्ट हुआ नेफ्रॉन से। ठीक है, अब नेफ्रॉन से जो स्टार्ट हुआ ये कहां पहुंचेगा, नेफ्रॉन से फिल्टर होकर ये पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में, किसमें पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहां पहुंचेगा, पैपिला में, कौन सी पैपिला, रीनल पैपिला, रीनल पैपिला। ठीक है, रीनल पैपिला से कहां पहुंचेगा, ये पैपिला से पहुंचेगा ये सीधे किसमें, हमारे रीनल पेल्विस वाले भाग में या रीनल कैलेक्स में, पहले कहां पहुंचेगा, रीनल कैलेक्स में। ठीक है, उसके बाद ये कहां जाएगा, रीनल पेल्विस, कहां जाएगा बच्चों, रीनल पेल्विस। ठीक है, अब देखिए ये जो रीनल पेल्विस वाला रीजन है ये किससे कनेक्टेड है, यूरेटर से कनेक्टेड है, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, यहां पर यूरेटर, आप डायग्राम की तरफ देखिए। ठीक है ना, समझिए, तो ठीक है यहां से क्या हो गया, रीनल पेल्विस वाला रीजन हो गया, यहां से ब्लड जो है ब्लड फिल्टर हुआ, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से क्या हुआ, नेफ्रॉन है हमारी यहां पे स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, तो क्या है ये, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, कहां पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, उससे रीनल पैपिला, फिर रीनल कैलेक्स में, अब आप ये ध्यान रखिए रीनल पेल्विस रीजन में आ गया। ठीक है, रीनल पेल्विस से कहां कनेक्ट हुआ, ये रीनल पेल्विस से क्या निकल रही, दो यूरेटर निकल रही है, यूरेटर किससे कनेक्टेड है, यहां पर ये जो दो दो पैर ऑफ यूरेटर है किससे कनेक्टेड है, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर से, तो अब यूरेटर किससे जाएगा, यहां पर ये यूरिनरी ब्लैडर। किससे कनेक्टेड है, ये यूरिनरी ब्लैडर से। अब जो फाइनल यूरिनरी ब्लैडर है ये कहां पर ओपन हो रही है, यूरेथ्रा के अंदर, कहां ओपन हो रही है बच्चों, ये ओपन हो रही है यूरेथ्रा में। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा, यूरेथ्रा पे क्या प्रेजेंट है, स्पिंक्चर प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एक्सटर्नल तो है, इंटरनल तो है, कौन सा, इंटरनल है यहां पर इनवॉल्यूंट्री, कौन सा है, इंटरनल तो इनवॉल्यूंट्री है। ठीक है, और फिर इसके बाद कौन सा है स्पिंक्चर, यहां पर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, ये कैसा है, वॉल्यूंट्री होता है, कैसा होता है, वॉल्यूंट्री होता है, यानी कि हमारी विल पावर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, हमारी विल पावर पर। और फाइनली क्या होता है, यहां से जो है ये यूरेथ्रा के थ्रू ओपनिंग होती है, ओपनिंग फॉर यूरिनेशन। ठीक है, फाइनली क्या होता है, यूरिन बॉडी से बाहर चला जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा पासेज ऑफ यूरिन हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए कंप्लीटली जो है हमने स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ किया और एक एक पार्ट जो है इसका किस तरह से ये जो है ये लाइंड होता है उसके बारे में हमने बात करी, कैसे बीन शेप्ड होते हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है उसके बारे में हमने बात करी, किस तरह से जो इसमें कॉर्टेक्स रीजन डिवाइडेड है, मेडलरी रीजन है, कैलेक्स रीजन है, पेल्विक रीजन है, जहां पे क्या है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, नेफ्रॉन कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो देखिए कितना यूनिक सिस्टम है कि हमारी किडनी, लीवर यहां पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि लीवर और किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक ऑर्गन का अपना सेपरेट डिफरेंट रोल है, लेकिन यहां पे मेन फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है कौन, तीन ऑर्गन मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट, ठीक है, फिर हमारा किडनी और हमारा लीवर। ठीक है, तो यहां पे रोल किसका पड़ रहा है, यहां पे हम रोल पड़ रहे हैं हमारे किडनी का। ठीक है, यहां पे लीवर का रोल भी होता है, लीवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे ना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यानी कि रास सिस्टम, उसमें मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, चलिए तो यहां पर कंप्लीट जो किडनी का पैर स्ट्रक्चर होता है, यूरेटर्स दो कनेक्ट होते हैं, यूरेथ्रा एक होती है, यूरिनरी ब्लैडर एक होती है, ठीक है। डेट्रोसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स में क्या होता है, सिग्नल पास आउट होता है, ब्रेन को जाता है, सीएनएस में सिग्नल गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे गया, सीएनएस और एएनएस दोनों वर्क यहां पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिग्नल गया तो क्या होता है, आपको जो है मैच्योरेशन की अर्ज होती है, ठीक है। जैसे हमें प्यास लगती है ना, पानी की थर्स्ट होती है, वैसे हमें क्या होती है, यूरिन पास आउट करने के लिए अर्ज होती है, इसी को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे जैसे यूरिन भरता जाता है तो ये क्या होता है, इसमें फैलाव होता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, यानी कि कैसे होती है, स्ट्रेचेबल होती है। तो जैसे जैसे स्ट्रेच होती है, ज्यादा पानी भर गया तो क्या होते हैं, ज्यादा होते ही कि इनकी वॉल्स में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होते क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, अब ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ब्रेन बोलता है अरे रे रुक रुक क्या करना है, अरे भाई वाटर रिलीज करना है, यानी कि यूरिन को रिलीज करना है, तो क्या होती है, मैच्योरेशन की अर्ज हो जाती है। और हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इस पे दो वॉल प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल वॉल की बात करें तो ये कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक्सटर्नल स्पिंक्चर जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, हमारा विल पावर काम करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी हम ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी ब्लैडर मान लीजिए ओवरलोड हो गई, यानी कि हम बात करें 500 ml तक भर गई, हालांकि जो मैच्योरेशन है वो आपको 250-300 ml पे ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सपोज कीजिए कि मान लीजिए हो गया ऐसा कि यहां पर आप नहीं कर पा रहे, आपने रोक लिया तो क्या होगा, वापस से रिवर्स एक्शन होता है कि भाई ये तो यूरिन पास आउट नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना, स्पिंक्चर को क्लोज कर रखा है, तो उस कंडीशन में अगर यूरिनेशन कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो वापस से आपको अर्ज जो डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लैडर फुल भरी हुई तो क्या होगा, फिर आप वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि फिर क्या होता है उस कंडीशन में, फिर तो बस आप निकलना ही है। तो कभी कभार होता है ना, हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एकदम से जब हम जैसे हम यूरिनेशन करते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, क्यों, क्योंकि वो स्पिंक्चर था उस पर लोड बढ़ गया था, ठीक है। तो जैसे आप उसको रिलीज करते हैं तो ओपनिंग खुल जाती है और यूरिनेशन हो जाता है, ठीक। आपने पेशेंट्स में देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो कोई सर्जरी करवाता है बेसिकली, तो होता क्या है कि जब उनको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो उनकी विल पावर वो वर्क नहीं करती, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं एक तरह से। तो ये लेकिन यूरिन तो क्या है, बन रहा है कंटिन्यू, फिल्ट्रेशन हो ही रहा है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के जो है वो लोकल एनेस्थीसिया देके उसको क्या करते हैं, कैथेटर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, कैथेटर डाल देते हैं यूरिनेशन के लिए। तो आपने देखा होगा बेड के साइड में पेशेंट के एक थैली लटकी हुई रहती है, ठीक है, उसमें वो कंटिन्यू यूरिन पास आउट होता रहता है, क्यों, क्योंकि जब वो ऑपरेट हुआ है तो उसकी विल पावर क्या है, एक तरह से काम नहीं कर रही, वो अनकॉन्शियस होता है, लेकिन यूरिनेशन कंप्लीटली बना हुआ है, तो उस यूरिनेशन को पास करने के लिए क्या करते हैं, जो ये स्पिंक्चर होता है हमारा, कौन सा वाला, एक्सटर्नल स्पिंक्चर, जिसपे हमारी विल पावर काम करती है, अब वो वर्क नहीं कर रहा तो क्या होगा, अब इंटरनल जो है इनवॉलंटरी रहेगा तो वो रिलीज हो सकता है। तो करते क्या है कि उस स्पिंक्चर के ऊपर एक कैथेटर डाल देते हैं, ठीक है, ये जो वॉल है यहां से क्या करते हैं, कैथेटर इस वॉल के ऊपर यहां पर एंटर करा देते हैं इस तरह से यहां, ठीक है। अब ये क्या, ये तो ऊपर वाला इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो वो यूरिन जो है इस कैथेटर के थ्रू उस जो पॉलीथीन वो बैग होता है, क्या पॉली बैग होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो भरना शुरू हो जाता है। तो यानी कि हमारी जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होती है, वरना होगा क्या, उसको तो पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है, यूरिनेशन फिर लगातार होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी विल पावर उस टाइम वर्क नहीं कर रही है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो कंप्लीटली हम बात करें ह्यूमन के किडनी के बारे में, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने समझा कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शन होता है, ठीक है ना, किस तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कितने पेयर्स ऑफ किडनी प्रेजेंट हैं, कितने इसके अंदर जो है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन सभी की हमने बात करी, ठीक है। हमने वेल लेवल डायग्राम भी बनाया और हर एक पॉइंट को आपको समझाया। यहाँ पे हमने पोस्ट रीनल रीनल पोर्ट के बारे में हमने बात करी, मैच्योरेशन के प्रोसेस के बारे में हमने बात करी, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।